कई बार लोगों को लगता है कि वो दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बताइए, अगर मैं जूता सिलता हूं तो मैं बाटा का मालिक थोड़ी बन जाऊंगा। हर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, वो चाय ही बेचता है। सुबह जब तेल लेने के लिए जाइएगा पेट्रोल पंप पे, मीटर आपके सामने होगा, पहले भाजपा वाला नारा लगाइएगा, जय श्री राम, देखिएगा दाम कम हुआ कि नहीं हुआ। फिर टीएमसी वाला नारा लगाइएगा, जय सिया राम, देखिएगा तब पेट्रोल का दाम कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तब अगर दोनों नारा लगाने से दाम कम नहीं होगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लुक वाले मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखिएगा और कहिएगा कि महाराज आप ही दाम कम करवा दीजिए। कि अमित शाह जी जवाब दीजिए, बेबी शाह जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया और हमारा बच्चा पीएचडी का डिग्री लेकर के घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? आप सब लोगों के पास अपने अपने जीवन का अनुभव है, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मंच पे आकर के खड़े हो गए हैं तो बहुत बुद्धिमान हैं और आप सामने जमीन पे बैठे हुए हैं तो आपको बुद्धि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देश के नागरिकों के पास उनका जो अपना अनुभव है उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आपने बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की भी सरकार देखी है, दीदी को बोलो भी आपने देखा है, तोलाबाजी भी आप देख रहे हैं। और जो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं उनकी भी हकीकत आपको मालूम है। आप ये भी जानते हैं कि सरकार बन जाए किसी की, बताइए, अगर मैं जूता सिलता हूं तो मैं बाटा का मालिक थोड़ी बन जाऊंगा। हर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, वो चाय ही बेचता है। आप जो रोज बरोज करते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए, आप जानते हैं कि इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 5 साल का तमाशा है, चुनाव होता है, पार्टियां आती हैं, सर के ऊपर उड़न खटोला उड़ता है हेलीकॉप्टर, फिर 5 साल के बाद वही तमाशा होता है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्स के पैसे पे हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, वो नमक अदा करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव आपसे साझा करने के लिए आए हैं कि आप जो करते हैं वो आप करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन यह जो लोग बदलाव के नाम पे आपके माथे के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, इनके साथ हमारा पुराना अनुभव है। इनके साथ हमारा पुराना अनुभव ऐसे है कि अभी आप कम से कम अपनी मेहनत से अपनी कमाई से घर में चुपचाप खा तो रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कल को आपके किचन में घुस जाएंगे, आपके रेफ्रिजरेटर में घुस जाएंगे। ये वो लोग हैं कि आप क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, उस पर ये पहरा लगाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि आपका पूरा का पूरा खानदान, आपके पूरे के पूरे पूर्वज, आपका पूरा का पूरा इतिहास जिस पड़ोसी के साथ है, उस पड़ोसी के बीच में ये हिंदू मुसलमान का दीवार खड़ा करने वाले लोग हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री के मुंह से लार क्यों टपक रहा है बंगाल को लेके। अगर भूख लगी है तो बंगाल का संदेश खिला दीजिए उनको, रसगुल्ला खिला दीजिए, मिष्टी दोई खिला दीजिए, ये लार क्यों टपक रहा है भाजपा के मुंह से? असली मसला क्या है? क्यों वो भाजपा का नेता इंदौर छोड़कर के बंगाल में पड़ा हुआ है? उसको तो आवासीय प्रमाण पत्र कलकत्ता का बनवा लेना चाहिए। क्या वजह है? पूरे देश में उनका राज है, हर कीमत पे उनको बंगाल क्यों चाहिए? एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो सबसे ज्यादा खून अगर कहीं बहा था तो इस देश के दो इलाके थे, एक था बंगाल और दूसरा था पंजाब। पंजाब में ये पैर नहीं जमा सकते हैं,
पंजाब में इनको पैर जमाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों को वो याद है कि हिंदू मुसलमान के इस झगड़े ने इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। और पंजाब के जो लोग हैं अपने हक और अधिकार के लिए कृषि कानून के खिलाफ में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सरकार का चक्का जाम किए हुए हैं। किसानों का जोर देखिए कि इनको अपनी कृषि मंत्री को यह समझाने में नाकाम रहे और कृषि मंत्री को किसान बिल के विरोध में इस्तीफा देना पड़ा। तो पंजाब में इनका पांव जम नहीं सकता है तो ये बंगाल आए हैं बांग्लादेशियों का नाम लेकर के, पूरे देश में ये आए हैं पाकिस्तान का नाम लेकर के, बंगाल में आना चाहते हैं बांग्लादेश का नाम लेकर के। लेकिन ये आकर के करना क्या चाहते हैं? किसी को अगर भ्रम है कि बीजेपी आएगी तो बदलाव आएगा, साहब सौ बार अपनी इस बात पे आप विचार कीजिएगा कि अगर बीजेपी के आने से बदलाव आना होता तब तो बिहार लंदन बन गया होता। हम तो बिहार से आते हैं ना, बिहार में ये लगातार सरकार बना रहे हैं, अभी भी सरकार बनाए हैं, डबल इंजन की ही सरकार है। जो डबल इंजन वाली रेलगाड़ी हमको रास्ते में मिली थी जिसकी वजह से हम यहां आने में लेट हो गए, तो बिहार को लंदन बन गया होता ना। बिहार में बदलाव हो गया है, उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया है, गुजरात में बदलाव हो गया है, मध्य प्रदेश में बदलाव हो गया है। वो बदलाव बंगाल के लोग चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि आपके यहां बलात्कार की संख्या बढ़ जाए? आप चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा बढ़ जाए? आप चाहते हैं कि किसान और आत्महत्या करने लगे? आप चाहते हैं कि आपके सरकारी संस्थान बंद कर दिए जाए? आप चाहते हैं कि आपके सरकारी संस्थानों को अपने दोस्तों को कौड़ियों के दाम में बेच दिया जाए? ये बदलाव बदलाव क्या है भाई? और ये बदलाव क्या है? कल तक जो लोग लेफ्ट साइड बीच में होती थी दीदी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इधर शुभेंदु और उधर जो है मुकुल रॉय, अब बीच में होते हैं मोदी, इधर शुभेंदु और उधर मुकुल रॉय। यही बदलाव चाहिए? क्या बदलाव है इसमें? आज तुम्हारे घर, कल उसके घर, परसों किसी और के घर, यही बदलाव आप चाहते हैं? ये बदलाव बंगाल का करने के लिए नहीं, अपना दल बदलने के लिए आए हैं जिसको ये बदलाव का नाम देकर के आए हैं। पुराना जहर नया बोतल में नए पैकेजिंग के साथ आया है। क्या बदल गया है? कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। कैसे? जितना टीएमसी का भ्रष्टाचारी नेता है सबको बीजेपी का माला पहना करके। यही हो रहा है ना? किस चीज का बदलाव हो रहा है? कौन सा बदलाव हो गया है? कोई कह रहा है जय श्री राम, कोई कह रहे हैं जय सिया राम। लगाइए ना भाई, ये धरती है खुदी राम की, जिसको मन है लगाए जय श्री राम, जिसको बोलना है बोले जय सिया राम। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां है कि नारा लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। मंच पे खड़ा होकर के हम भी नारा लगाते हैं, लेकिन किसी को कॉलर पकड़ करके जबरदस्ती नारा नहीं लगवाते हैं। पूछते हैं कि किसी को लगाना है तो लगाओ, आजाद देश में अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो हमारे साथ नारे को बुलंद करो। लेकिन सिर्फ नारा लगाने से कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एक प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। सुबह जब तेल लेने के लिए जाइएगा पेट्रोल पंप पे, मीटर आपके सामने होगा, पहले भाजपा वाला नारा लगाइएगा जय श्री राम, देखिएगा दाम कम हुआ कि नहीं हुआ। फिर टीएमसी वाला नारा लगाइएगा जय सिया राम, देखिएगा तब पेट्रोल का दाम कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तब अगर दोनों नारा लगाने से दाम कम नहीं होगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लुक वाले मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखिएगा और कहिएगा महाराज आप ही दाम कम करवा दीजिए। चल क्या रहा है देश में? चल क्या रहा है? क्या हो रहा है हमको ये बताइए। देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको छोड़ करके सब कुछ की बात हो रही है। कल मैं जब आ रहा था पटना से यहां, एक पत्रकार हमको पूछा मोदी जी के दाढ़ी का क्या राज है। हम बोले अव्वल तो आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए,
कोई दाढ़ी बढ़ा ले कि दाढ़ी कटा ले कि कोई माथा मुड़ा ले कि कोई उसमें हरदी चुन्ना लगा ले, उससे क्या लेना देना है हम लोगों को? हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है कि दाढ़ी बढ़ाने से आपका इनकम बढ़ रहा है क्या? नौकरी बढ़ रही है क्या? नौकरियों की संख्या बढ़ रही है क्या? इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ रही है क्या? आपके जीवन की समस्याएं घट रही हैं क्या? नहीं ना। तो देश में चल क्या रहा है? आपका टीवी, आप उसको रिचार्ज कराते हैं और उस टीवी पे आपका मुद्दा गायब है। टीवी खोल करके देखिए तो एसनो पाउडर लगा करके पत्रकार आएगा और ये बताएगा कि 2 तारीख को कौन जीतेगा। अरे बुर्बक, तुम ही तय कर दोगे कि कौन जीतेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग प्रजा हैं कि नागरिक हैं? क्या हैं? प्रजा हैं, नागरिक है ना। प्रजा कहां होती है? जहां राजा होता है। जहां राजा होता है वहां प्रजा होती है। हम लोग प्रजा नहीं हैं, हम लोग नागरिक हैं। तुम शाम को 7:30 बजे टाई लगा करके नहीं तय करोगे कि 2 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, वो बंगाल की जनता तय करेगी कि 2 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। और हम इस देश के नौजवान अगर चुनाव में आपके बीच में बात करने के लिए आए हैं तो हम आवाम के हक और अधिकार की बात करेंगे। हम राजनीति के लोगों के मुद्दे पे होना चाहिए और उस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। हम ऐसी नीतियों पे बात करेंगे। हम इसकी बात करेंगे कि अमित शाह जी जवाब दीजिए, बेबी शाह जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया और हमारा बच्चा पीएचडी का डिग्री लेकर के घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसमें बदलाव हम लेकर के आएंगे। आपको बदलाव चाहिए ना, हम आपको बदलाव दिखाएंगे। हम आपको बदलाव दिखाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि भारत में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब का बच्चा भी देश की गद्दी पर बैठ सकता है। ये बात हम आपको याद दिलाएंगे। हम आपको याद दिलाएंगे कि ये बंगाल की धरती है। मिर्जा गालिब साहब से एक बार लोगों ने पूछा कि बंगाल की खासियत क्या है। गालिब ने कहा कि ये वो इलाका है कि यहां के रहने वाले लोग एक ही समय में 100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी जीते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम बंगाल निवासियों से अपील करने के लिए आया हूं कि पूरा देश आपको देख रहा है कि 100 साल इस देश का क्या भविष्य होगा, किस तरफ यह देश जाएगा, क्या इस देश में सांप्रदायिकता के दांत तोड़े जाएंगे कि नहीं तोड़े जाएंगे, यह बात आपको तय करना है। बोलिए तय कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आपको सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि आपको नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को नकारना चाहिए, उनको अस्वीकार करना चाहिए। लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले को अस्वीकार करेंगे तो किसी ना किसी को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। उस पर मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूं। मैं जब खुद भी चुनाव लड़ रहा था तो मैं ये नहीं कहता था कि आप मुझे वोट दे दीजिए, क्योंकि ये मेरी सोच के खिलाफ है। अगर किसी के कहने से कोई वोट दे दे तब फिर उस वोट का मतलब क्या है? वोट देने का जो आपका अधिकार है वो आपका सबसे मौलिक अधिकार है। यही जो आपका वोट देने का अधिकार है वो इस देश को लोकतंत्र बनाता है, इस देश को राजतंत्र से निकाल करके प्रजातंत्र की तरफ ले जाता है। वोट देने का जो आपका अधिकार है उस अधिकार की ही ताकत है कि जो हमेशा आसमान में उड़ते रहते हैं वो चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ करके धूल फांकते हुए नजर आते हैं। ये आपके वोट का ताकत है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।